बहू की ये कहानी पढ़कर आपकी आंखें सजल हो उठेंगी। बहू कहाँ मर गई, अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई, कब से पूजा करके बैठी हो, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मरोगी। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा। बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या। बहू आई सामने खिचड़ी रखती। सास गुस्से से, ये क्या है, मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तो मेरी मां बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई, पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए, अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, उनके पति भी घर पर गया। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी लाती पर सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे, आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया। सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे, इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या, एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था और बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी, जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोलत टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिर कहीं की देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते, कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत
और काम करना तक नहीं आता तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, आर नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। आज पापी तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया। फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ कर बाहर लाई, सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, बेटी भी माँ, इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ, याद है ना छुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे, मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा कर बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, आर माँ जी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी पर मुझे अभी भी तो ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर दबाने बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती है, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है।